हेलो क्लास नाइन्थ बेटा, यहाँ तक हमने कर लिया था सेपरेशन। हम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करके डाई के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट को हम अलग कर चुके थे। अभी कोई डाउट आया नहीं है इससे, डाउट होना भी नहीं चाहिए, अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने। अगर फिर भी इसमें कोई क्रोमेटोग्राफी में कोई डाउट आया तो यू कैन आस्क डायरेक्टली। हम अब शुरू करते 2.3.6। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, इस वजह से ये समय ले भी रहा है और थोड़ा सा समझने वाला भी है। सो एकदम लाइन बाय लाइन आप समझते चलिए। अगर कोई डाउट हो रहा है तो यू कैन आस्क डायरेक्टली। ओके, अब 2.3.6 है कि हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स। सी, ये वर्ड जो है ना मिसिबल, एक हमने इस पहले देखा था इमिसिबल। इमिसिबल में क्या क्या था, केरोसिन एंड वाटर को हमने अलग किया था। अब मिसिबल लिक्विड को कैसे अलग कर सकते हैं या करते हैं, उसके लिए एक्टिविटी और उस प्रोसेस का नाम, ये हमें जानना जरूरी है। देखिए ध्यान से पढ़ते लाइन पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। हाँ, लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। देखिए एसीटोन एक ऑर्गेनिक केमिकल है, अभी आप इसके बारे में ना जाने, टेंथ में है थोड़ा सा इसका, एक चैप्टर में थोड़ा सा ये डिस्कशन है इसका फंक्शनल ग्रुप वाले में, लेकिन अभी आपको जानना है, बस ये जानो एसीटोन इज़ ए केमिकल एंड वाटर इज़ ऑल्सो ए सब्सटेंस। ये दोनों मिसिबल है, मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में, तो इनको अलग कैसे करें, है ना। टेक द, अब कैसे करेंगे, टेक द मिक्सचर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क। डिस्टिलेशन फ्लास्क क्या है अभी आगे देखते हैं हम। फिट इट विथ ए थर्मोमीटर, हम वहाँ लगाएंगे। अभी देखिए यहाँ अरेंजमेंट यहाँ नीचे रखा हुआ, देखिए ठीक है ना। डिस्टिलेशन फ्लास्क ये है, इसमें मिक्सर रखा गया या थर्मोमीटर यहाँ फिक्स किया गया, ठीक है ना। अरेंज द अपरेटस एज शोन इन द फिगर 2.9, यहाँ लिख रखा है कि ऐसे ही अरेंज करना है नीचे जैसे दिया। हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग ए क्लोज वॉच एट द थर्मोमीटर, देखते रहना है कि कितने टेम्परेचर पर क्या हो रहा है। एसीटोन वेपराइजेस कंडेंसेस इन द कंडेंसर एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट। यहाँ पहले यहाँ जब हीट करेंगे इसको तो एसीटोन इसमें से वेपराइज हो जाएगा और यहाँ आके कंडेंस हो जाएगा इस कंडेंसर में, और कंडेंसर कंडेंस होने के बाद ये जो नीचे ये रखा गया है बीकर या जो भी यहाँ पॉट रखेंगे इसमें आके वो कलेक्ट हो जाएगा और वाटर इसी में रह जाएगा, ठीक है ना। ये क्लैंप है, देखिए कुछ कुछ नाम है इसको बहुत ज़्यादा, ये क्लैंप है, स्टैंड टाइप का। डिस्टिलेशन फ्लास्क यूज़ होगा, वाटर आउटलेट क्लैंप, ठीक है ना। वाटर इसके अंदर भरा रहेगा, इस जो फ्लास्क लगाया गया है, लगाया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। वाटर नहीं, सॉरी, ये वाटर कंडेंसर है, वाटर कंडेंसर, ये तो फ्लास्क है, डिस्टिलेशन फ्लास्क ये है। वाटर कंडेंसर में वाटर यहाँ रहेगा कूलिंग इफेक्ट के लिए होता है, कि जैसे मान लो यहाँ से वेपर हुआ ना, यहाँ से वेपराइज होगा एसीटोन, तो यहाँ जब इधर आएगा तो टेम्परेचर ऑब्वियसली थोड़ा डाउन होगा, लेकिन और कूल करने के लिए साइड में वाटर होता है। और भी इसके रीजन वाटर होने के वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट, या कभी और भी डिस्कस कर लेंगे, अभी देखिए इसे। और फिर जब ये कंडेंस होगा ना, तो कंडेंस होगा तो एसीटोन लिक्विडिफाई होगा, लिक्विडिफाई करके यहाँ आ जाएगा और वाटर इसमें रह जाएगा। सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स बाई डिस्टिलेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्टिलेशन इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ द टू मिसिबल लिक्विड्स। ओके, लाइक एग्जाम्पल इज एसीटोन एंड वाटर। ओके, तो ये प्रोसेस है, हीट करेंगे तो ये कंडेंस करके यहाँ लिक्विडिफाई हो जाएगा और वाटर यहाँ एज सच रह जाएगा, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चन है, ये आंसर करना कॉमन सेंस है, लगाएंगे नहीं तो कल हम इसको डिस्कस करेंगे ये चारों क्वेश्चन। अब उसमें ऑब्जर्व करना, देखो सी, अभी हम एक्सपेरिमेंट कर तो रहे नहीं तो हम ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ गूगल कर सकते हैं और कहीं से आंसर इसका। व्हाट डू यू ऑब्जर्व एज यू स्टार्ट हीटिंग द मिक्सचर, एट व्हाट टेम्परेचर डज द थर्मोमीटर रीडिंग बिकम कॉन्स्टेंट फॉर द सम टाइम, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन, व्हाट डू यू, व्हाई डू द टू कंपोनेंट्स सेपरेट, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं, तो जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो भी तभी ये सारे क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन यहाँ से भी दिया जा सकता है, जो हमने ये ऊपर डायग्राम एक्सप्लेन किया थोड़ा सा, यहाँ से भी हम दे सकते हैं उसका आंसर। तो आप देने का प्रयास करें, नहीं तो मैं कल या नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसको हम डिस्कस कर लेंगे ये चारों क्वेश्चन, ठीक है ना। ये चारों क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप एक बार ट्राई करना, गूगल करना, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट तो भी आप कर नहीं रहे हो, ठीक है ना। दिस मेथड इज़ कॉल्ड डिस्टिलेशन, इट इज़ यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड, ये ध्यान रहे, दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन, वो बॉयल हुआ, ठीक है ना, एंड हैव सफिशियंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, जो जैसे वाटर और एसीटोन सेपरेट हुआ है ना, तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए। क्यों ज़्यादा होना चाहिए, उसका भी रीज़न है कि जैसे मान लो एक डिग्री सेंटीग्रेड का अगर डिफरेंस हुआ वाटर और एसीटोन का, तो क्या होगा कि थोड़ा सा टेम्परेचर वेरी करेगा तो दोनों वेपराइज होने लगेंगे,
बॉइलिंग पॉइंट पे तो वेपराइजेशन होता है, तो जो दोनों वेपराइज होने लगेंगे तो फिर सेपरेशन मुश्किल होगा। तो इसलिए जितना ही बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा होगा सेपरेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। समझ में आ गई होगी मेरी बात मेरे ख्याल से, अगर नहीं आती तो यू कैन आस्क डायरेक्टली। हाँ ठीक है, अब क्या है आगे देखिए क्या है, एक सेकेंड वेट। हाँ हाँ यहाँ तक हुआ था ना। अब देखिए, टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड फॉर विच द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन। अच्छा, ऐसा भी होता है कि 25 केल्विन से कम का डिफरेंस है कहीं पे, तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ यूज्ड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, देखो जब डिफरेंस ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट का तो नॉर्मल डिस्टिलेशन करा के हमला कर सकते हैं, लेकिन 25 केल्विन से, केल्विन है ये है ना, 25 केल्विन से कम का डिफरेंस अगर है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम द एयर, एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, वी नो है ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो यहाँ टेम्परेचर बॉइलिंग, जो बॉइलिंग पॉइंट अगर लिक्विड है वो गैस लिक्विड फॉर्म है तो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम होता है, इस वजह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे। डिफरेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से डिफरेंट फ्रैक्शन अलग करने के लिए भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। देखो दो जगह फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रॉम एयर के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट अलग करने के लिए और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के डिफरेंट फ्रैक्शंस को अलग करने के लिए, ठीक है, एटसेट्रा। द एपरेटस इज सिमिलर टू डेट फॉर दैट फॉर द सिंपल डिस्टिलेशन, एपरेटस सिमिलर होता है एक्सेप्ट दैट फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज फिटेड इन बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड द कंडेंसर। देखिए रुकिए मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए यहाँ पर ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम एक केवल अलग हुआ है ना, बाकी ये सारा एपरेटस डिस्टिलेशन की तरह ही है ना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में केवल ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो फ्रैक्शनेट करके अलग करता है सब कॉन्स्टिट्यूएंट को, ठीक है ना, बस ये केवल अलग है, जोड़ा गया एक्स्ट्रा उसमें, ठीक है ना, लगभग सेम है। ए सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज ए ट्यूब पैक्ड विथ ए, अच्छा ठीक है ओके, देखिए क्या है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता क्या है, इज़ ए ट्यूब पैक्ड विथ ग्लास बेड्स, ये ग्लास बेड्स है, ग्लास बेड से पैक किया गया था। द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली, ठीक है ना, ये जो इसके सरफेस होते हैं वो अलग अलग वेपर को रिपीटेडली प्रेशराइज करते हैं कि भाई अब वेपर में कन्वर्ट हो चुके, अब यहाँ आके इस कॉलम से नीचे जाते हुए गैस में, सॉरी लिक्विड में कन्वर्ट होके अलग होते जाओ, अलग अलग प्रेशर अप्लाई करता है अलग अलग गैसों पे कि आप सॉरी कंडेंस हो जाओ और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाओ, इसीलिए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इसको कहते हैं। कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शनेट करना मतलब अलग अलग एक तरह से बांटना, अलग अलग गैसों को फ्रैक्शनेट करके लिक्विडिफाई कर, ठीक है ना। तो ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ उसका नाम भी लिखा हुआ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ओके। अब देखिए ठीक है, यहाँ तक करिए, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको करते हैं। हाउ कैन वी ओपन, देखिए भाई ये थोड़ा थोड़ा इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ मतलब इधर, कि थोड़ा सा आप इसको इजिली आप लेते चलें, कुछ छोटे नाम से, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, एकदम से सब कुछ क्लियर हो, ठीक है ना। अगर कोई डाउट यहाँ तक हो तो पूछे, नहीं तो यहाँ से हम कल नेक्स्ट क्लास में 2.3.7 डिस्कस करेंगे। कोई डाउट हो तो पूछे, थैंक यू।